हेलो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर एक बड़ी खबर है, जिन लोगों को पेंशन मिलता है उनके लिए बड़ी अपडेट है। पेंशन ना मिलने के भी कई वजह होते हैं और पेंशन आप अगर ये जान जाते हैं तो पेंशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आखिर ऐसा क्या मामला है जो आपको जानना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ट्रिकी नंबर वन। तो ट्रिकी नंबर वन की पहचान सही और सॉलिड ज्ञान। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर रिपोर्ट है कि 1,00,000 महिला पेंशन लाभार्थियों को अब तक 80,000 महिला पेंशन आधार करा चुकी हैं वेरिफिकेशन। अगर आप आधार वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका पेंशन कट जाएगा, आपका पेंशन अगर आता होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे वेरिफिकेशन कराना है, किन लोगों को वेरिफिकेशन कराना है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 दिन बाद 20,000 महिलाओं का पेंशन विभाग द्वारा दी गई और ब्लॉक के द्वारा जारी की गई। और आपको बता दें कि आधार कार्ड प्रमाणीकरण के लिए महिला पेंशनरों को विभाग ने दिया 15 जनवरी तक आखिरी मौका, यानी कि आपके पास बहुत कम दिन है, मात्र 1 दिन बसा है। यानी कि अब तक तो शुरू थी प्रक्रिया, अगर आप नहीं जानते, हालांकि ये काम तो आप 2 मिनट में कर सकते हैं लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जानकारी क्या है, कैसे है, वो वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे करा सकते हैं आधार प्रमाणीकरण। यहाँ पर देख सकते हैं निराश्रित महिला पेंशन का एक पोर्टल है, इस पोर्टल पर आपको 100% आधार प्रमाणीकरण अर्थात अर्थ वेरिफिकेशन, यानी कि आप यहां कर सकते हैं कि आपको वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। आधार कार्ड प्रमाणीकरण कराने के लिए पात्रों को बहुत परेशान होना या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने नज़दीकी CSC यानी कि सहज सेवा संसेवा केंद्र या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर सेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। उनके पास जाकर बैंक पासबुक, आधार और मोबाइल देते हुए कहना है कि उन्हें आधार कार्ड प्रमाणीकरण कराना है। ऐसा कहने के बाद आपको वो कर देंगे। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन कट जाएगा, इसलिए आपको ये ज़रूर कराना है। और आपके पास समय भी नहीं बचा है तो कल जाके आप ज़रूर करा लें, कल शाम तक आपके पास टाइम है, अन्यथा आपका पेंशन कट जाएगा। तो ये जानकारी आपको पहले से पता थी, अगर नहीं पता थी तो ज़रूर बताएं, और अगर पता थी तो भी आप कमेंट करके बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।